नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x, और यहां पर x की वैल्यू आपको दे रखी है 1 बाय रूट 2 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है। सो लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये हमने कंसिडर कर लिया, और v हमने कर लिया साइन इनवर्स x को, तो यहां से आपका क्या मिल जाएगा, इसके लिए आपको दे रखा है 1 बाय रूट 2 लेस देन x लेस देन 1, सो यहां से x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, साइन भी आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप x की जगह साइन भी रखते हैं, तो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन v 1 माइनस साइन स्क्वायर v, तो u इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स 2 साइन v cos v, ओके, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 v, सो u इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन 2v की जगह क्या लिख देंगे, 2v आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, यहां पर क्या बोल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, यानी कि du / dv उसने पूछा आपको, du / dv से ना, ठीक है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि dv / dv तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सो आंसर आपका क्या आ गया, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ ए एंड बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, देन कौन सा रिलेशन इनमें से सही है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर लेंगे, ए इंटू बी निकाल लेंगे, सो ए मैट्रिक्स आप यहाँ रख दो, और बी मैट्रिक्स आप यहाँ लिख दो, ठीक है। अब इसका अपन क्या करेंगे, रो बाय कॉलम मेथड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ये तो आपकी रो और ये आपका कॉलम, सो 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 4 यानी कि प्लस का 4 और ये प्लस 0, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 0, ठीक है। फिर भाई ये रो बाय ये वाला कॉलम हमने किया तो ये आया, फिर ये रो और ये वाला कॉलम हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4 प्लस का 4 प्लस 0, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, सो कुल मिलाकर के आपको a into b क्या मिला, 666, और बाकी अदर एलिमेंट आपके 0 मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, 6 कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि 6 इंटू आई लिख सकते हो, सो ए बी इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 6 आई मिल गया, सो बी इनवर्स किसके इक्वल हो गया, 1 बाय 6 इंटू ए के इक्वल हो गया, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। The real function fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is. Four option है, कहाँ पर आपका strictly increasing है और कहाँ पर आपका given function strictly decreasing है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इस तरीके का जब भी increasing decreasing का कोई भी question आएगा तो सबसे पहले आपको f x निकालना है, जो भी given function है उसका derivative find out करना है। So first step आपकी क्या है, आप f x find out करोगे, 2x cube यानी कि हो जाएगा 6x square minus 3x square, इसका हो गया minus का 6x, यहां से आ जाएगा minus का 36। अब इसमें आप देख लो 6 common आ रहा है, तो 6 हमने यहां से common ले लिया, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, f dash x आ गया। अब f dash x को 0 के equal करके हमको critical point निकालना है, ठीक है। तो first step तो क्या है, आप derivative निकालोगे, then f dash x को 0 के इक्वल करोगे, उसके पहले आप इसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हो, फैक्टर अगर हम यहाँ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 3 और x प्लस 2 आ जाएगा ये, ठीक है ना, इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, x माइनस 3 और x प्लस 2। अब इसको आप 0 के अगर इक्वल कर रहे हो,
6x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास आएगा 3 और माइनस 2। तो यहां से आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई, 3 और माइनस 2। ये होते हैं आपके क्रिटिकल पॉइंट। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आप जो है नंबर लाइन पर बना दोगे। सो नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे तो क्या रहेगा, ये तो इनफाइनाइट हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, माइनस 2 और 3 हमने यहां पर बना लिया। अब इंटरवल क्या क्या आ गए, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2, माइनस 2 से 3 और 3 से इनफाइनाइट। तो अब इन इंटरवल में हम f डैश x का साइन चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमारे पास f डैश x क्या आ गया था, 6 × x − 3 x + 2, यही आया था, ठीक है। तो आप f डैश x का साइन चेक करो, जैसे सपोज इन दोनों इंटरवल, इस इंटरवल के बीच में माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस 3 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये हमको चेक करना है, ठीक है। -3 -3 और ये -3 + 2 ऐसे बनेगा ये, तो 6 - 6 और ये हो जाएगा -1, यानी कि ये वैल्यू तो पॉजिटिव आई है, ठीक है। यानी कि इसमें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ये, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ये, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 से 3 के बीच में 0 आ जाएगा, तो आप इसमें 0 रखोगे, यहाँ पर 0 पुट करके देखो आप f डैश 0 आप फाइंड आउट करोगे, तो 0 - 3 0 + 2, यानी कि ये आपका माइनस का 18 × 2, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर 4 वैल्यू रख के देख लो, क्योंकि इस इंटरवल में 4 आ रहा है, 4 वैल्यू आपने रख के देखी तो ये आपका पॉजिटिव ही मिल रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आप ऑप्शन चेक करें, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to 3 में, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपके सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है लेकिन इसमें डिक्रीजिंग नहीं है, इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। ये वाला तो आपके पास इंटरवल है ही नहीं और ये वाला भी आपका आंसर नहीं, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स √1 + cos x प्लस √1 - cos x अपॉन √1 + cos x माइनस √1 - cos x, पाई इज लेस देन एक्स लेस देन 3π/2 इज। सो हम जानते हैं यहां पर फॉर्मूला √1 + cos x अगर आ जाता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, कॉस के साथ जब भी वन आता है तो क्या फॉर्मूला यूज में लेंगे, cos² × cos² x/2 - 1 और 1 के साथ cos x है, यहाँ पर भी बीच में sin माइनस है तो फॉर्मूला लेंगे 1 - 2 sin² x/2। ये चीज डिनोमिनेटर में भी आप कर दें, सो tan इनवर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 modulus of cos x/2, ठीक है। √cos² x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, modulus of cos x/2, ऐसा हम जनरली तो हम cos x/2 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपको दे रखा है x की वैल्यू π < x < 3π/2, तो यहाँ पर ये जो cos x ओपन होगा -cos x/2 के से ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है x/2 है, तो x/2 कहां से कहां तक होगा, π/2 से 3π/4 तक होगा x/2 की वैल्यू, ठीक है ना। इस पूरे में हमने क्या करा, 2 से डिवाइड करा, तो इससे आपको क्या पता लगा, x/2 जो होगा π/2 से तो छोटा होगा, है ना, π/2 < x/2 < 3π/4 होगा, यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, यहां 90 तो यहां हो गया और ये हो गया आपका 3π/4, यानी कि इस के बीच में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, cos तो नेगेटिव होता है और sin यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है,
तो मॉडुलस ऑफ cos x by 2 आपका नेगेटिव से ओपन होगा इसके आगे, ठीक है ना। और यहां पर आपका क्या होगा, रूट टू साइन x by 2। इसी तरीके से रूट टू मॉडुलस ऑफ cos x by 2 माइनस रूट टू मॉडुलस ऑफ साइन x by 2। सो यहां पर आप लिख दोगे रूट टू तो कॉमन आगे कट ही जाएगा, ये माइनस से ओपन होगा, तो माइनस cos x by 2 प्लस साइन x by 2 अपॉन माइनस cos x by 2 और ये हो जाएगा साइन x by 2, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स, माइनस कॉमन आकर अगर हम इसको कैंसिल कर दे तो ऊपर क्या आ जाएगा, cos x by 2 माइनस साइन x by 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos x by 2 प्लस साइन x by 2। ये फॉर्मूला होता है आपका tan pi by 4 माइनस x by 2 का, ठीक है। और tan इनवर्स tan x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, सो tan इनवर्स tan pi by 4 माइनस x किसके इक्वल होगा, pi by 4 माइनस x by 2 किसके इक्वल होगा, pi by 4 माइनस x by 2 के इक्वल होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that a square is equal to 2a, then the value of determinant of 2a is, ये आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है, इसका मतलब determinant of a not equal to 0 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और a square is equal to 2a भी आपको दे रखा है, दोनों तरफ determinant ले लेंगे, so determinant of a square is equal to determinant of 2a हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, determinant of a whole square लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a, बिकॉज वी नो दैट ka डिटरमिनेंट ऑफ ka इज इक्वल टू k टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a, वेयर n इज अ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो यहां 3 बाय 3 ऑर्डर है, इसलिए यहां पर 2 टू द पावर 3 आ गया, क्योंकि n की वैल्यू यहां पर क्या है, 3 है, ठीक है। अब यहां पर इसको आप इधर ले आओ, तो डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर माइनस 8 डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, इधर शिफ्ट कर दिया हमने, डिटरमिनेंट ऑफ a कॉमन आ गया, तो ये क्या आया, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस 8 आ गया, ठीक है। अब यहां से पता लगा, या तो डिटरमिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल हो, ठीक है, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ a जो है 8 के इक्वल हो। अब 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता, क्योंकि a हमको स्टार्टिंग में बोल दिया कि a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a तो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 8 होनी चाहिए। तो यहां से आपको क्या पता लगा कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a जो है 8 का स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि 64 होगा। तो आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ b फॉर व्हिच द गिवन फंक्शन f(x) = x + cos x + b is strictly decreasing over R is, so f dash x आप find out करो सबसे पहले, so f dash x आपके पास आ गया 1 minus sin x, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ से आपको पता लगा कि f dash x तो greater than 0 होगा for all x belongs to R, ठीक है ना, यानी कि ये तो strictly increasing function है, so answer क्या आ जाएगा, no value of b exists, no value of b exist, ठीक है। Let R be the relation in the set N given by R a b such that a is equal to b minus 2 comma b is greater than 6, then कौन सा जो होगा pair आपका R में होगा, रिलेशन में होगा। सो यहाँ आपको दे रखा है b greater than 6 होना चाहिए, ठीक है ना। सो a में तो b जो है greater than 6 नहीं है, तो ये a ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है ना। और ये वाला रिलेशन किस ऑर्डर पेयर से जो है,
सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे ए की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूं और बी की वैल्यू आपकी 8 है, सो 3 इज इक्वल टू 6 होगा क्या? नहीं होगा ना, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। इसको चेक कर लो, ए की वैल्यू यहाँ 6 है और बी की वैल्यू 8 है, तो इसमें रख दो ए की वैल्यू 6 और 8 वैल्यू यहाँ रख दिया हमने, तो 6 इज इक्वल टू 6 हो गया, यानी कि इससे सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसको भी चेक कर लो, 8 इज इक्वल टू 7 माइनस 2, यही लिखोगे ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 में, सो ये भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ गिवन बाय fx इज इक्वल टू x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए fx की वैल्यू जो है -1 है, इज कंटीन्यूअस इज एट r, कहां पर, किस पॉइंट पर जो है वो कंटीन्यूअस है, ये आपको देखना है। तो x लेस देन 0 आपको यहां दे रखा है, तो fx क्या हो जाएगा, ये -x से ओपन होगा, मॉडुलस अगर अपन ओपन करते हैं है ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि x less than 0 पर fx की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, और -1 ही दे रखी है x greater than equal to 0 के लिए, यानी कि जो गिवन फंक्शन है आपका वो -1 है सब जगह पर। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया आपका, x belongs to R। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज अ मैट्रिक्स एंड k इज अनदर मैट्रिक्स, ओके, then the values of k a b respectively are, ठीक है, so आपको सबसे पहले ये a दे रखा है, अगर यहाँ से आप k a निकालोगे तो k को each element में आप multiply करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 2k 3k minus 4k, ठीक है, और ये किसके equal दे रखा है, k a, ये आपको दे रखा है, तो ये आपका k a हो गया 0 3a 2b 24, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया -4k जो है 24 के इक्वल हो गया, इससे k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -6, ठीक है, और यहां से क्या हो गया 2k इज इक्वल टू 3a के इक्वल होता है, और k की वैल्यू -6 है, तो 2 into -6 इज इक्वल टू 3a, सो ये -12 इज इक्वल टू 3, सो a की वैल्यू यहां पर क्या आ गई -4 आ गई, a क्या आ गया आपके पास -4 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 3k is equal to 2b है, 3k is equal to 2b, और k की वैल्यू -6 रखी है आपने यहाँ पर, so ये -18 is equal to 2b, so b is equal to -9 आ गया आपके पास, so -6, -4 और -9, यानी कि b ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग मिनिमाइज्ड, जेड इज इक्वल टू 30x प्लस 50y सबटेक्स टू द कंस्ट्रेंट्स 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन द फिजिबल रीजन द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट अ यूनिक पॉइंट, no point, infinite many point and two points only, इसको हमको solve करना है। तो सबसे पहले आपको ये जो constraint दे रखी है इसके लिए आप graph बनाओगे, ठीक है, so graph कैसे बनेगा वो देखें आप, ये जो first constraint दे रखी है इसको आप ऐसे लिख लो 3x plus 5y is equal to 15, एक line का equation हो गया ये, ठीक है, लाइन का इक्वेशन हो गया, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम x और y की वैल्यू रखकर, अगर x की वैल्यू 0 हम पुट करते हैं तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, भाई यहां 0 पुट कर दोगे तो 5y is equal to 15, सो y is equal to आपको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से जब y की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी 5 मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इस वाली लाइन के लिए आप देख लें, इस कंस्ट्रेंट के लिए क्या लाइन बनेगी, 2x is plus 3y is equal to 18, so x की वैल्यू आप 0 रख रहे हो तो y की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी, और y की वैल्यू आप 0 रख रहे हो तो x की वैल्यू आपको 9 मिल जाएगी, ठीक है। अब इसका आप ग्राफ बना लो साहब, ये तो हो गया आपकी y एक्सिस, ये हो गया आपकी x एक्सिस,
ठीक है। तो जीरो पे तीन बनाना है, तो ये जीरो हो गया, वन टू थ्री, ये थ्री हो गया, जीरो पे थ्री, ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास। एक फाइव पे जीरो बनाना है, सो वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव कोमा जीरो, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो आपका क्या बनेगा, डार्क लाइन बना दोगे आप, ये लाइन बन गई आपकी एक, ठीक है। ये इस वाली कंस्ट्रेंट के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। सिमिलरली दूसरी करनी है हमको, तो जीरो पे सिक्स, तो थ्री आए, फोर फाइव सिक्स यहाँ पर हो गए पॉइंट, तो जीरो पे सिक्स ही हो गया। और नाइन पे जीरो, तो नाइन इधर आ जाएगा, फाइव के बाद सिक्स सेवन एट नाइन सपोज यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो गया नाइन कोमा जीरो, सो ये वाला पॉइंट आपका ये हो गया। सो इन दोनों पॉइंट को आप मिला दो, ठीक है, सो ये वाली लाइन बन गई आपकी। अब आपके पास क्या आ गए, चार कॉर्नर पॉइंट आ गए, वन टू थ्री एंड फोर कॉर्नर पॉइंट आ गए आपके पास, ठीक है। अब फिजिकल रीजन आप पहले चेक कर लें, इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट वाली जो लाइन है इसमें अगर हम जीरो जीरो पुट करते हैं, कोई भी पॉइंट आप ले लो, इसके इधर वाला या इस लाइन के इस साइड वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाली आपकी कंस्टेंट ये वाली थी, ये वाली लाइन है, अगर आप यहाँ पर जीरो पुट करते हो तो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, यानी कि ये तो फॉल्स कंडीशन आ गई, फॉल्स कंडीशन आ गई, यानी कि इसका जो फिजिकल रीजन होगा ऊपर की तरफ होगा, है ना, नीचे की तरफ नहीं होगा। अगर ट्रू कंडीशन आती तो फिर नीचे की तरफ होता, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल आ गई, जब आप यहाँ जीरो जीरो पुट कर रहे हो तो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 होता है क्या, नहीं होता है, यानी कि फॉल्स हो गया, यानी कि इसका फिजिकल रीजन जो है ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब इस वाली लाइन के लिए आप देखो, जब आप यहाँ पर जीरो जीरो पुट करोगे इस कंस्टेंट में, तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू 18, मतलब ये वाली आपकी क्या हो रही है, ट्रू कंस्टेंट आ रही है, यानी कि इसका फिजिबल रीजन नीचे की तरफ होगा। अब इन दोनों का फिजिबल रीजन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक्स और वाई की सारी वैल्यूज यही पॉजिटिव होगी, तो ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जेड को मिनिमाइज करना है आपको, जेड को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो आप जितने भी कॉर्नर पॉइंट हैं, उन कॉर्नर पॉइंट्स पे आप क्या निकालोगे, जेड की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। सो कॉर्नर पॉइंट आपके क्या क्या दे रखे हैं और Z की वैल्यू आपकी क्या क्या आ रही है वो देखनी है आपको। कॉर्नर पॉइंट आपको हो गया 0.3, 0.6, 5.0 एंड 9.0। Z आपको दे रखा है 30x प्लस 50y, ठीक है। सो Z की वैल्यू आप निकालोगे, 0 और 3 आप यहाँ रखोगे, तो 30 × 0 एंड 50 × 3, सो 50 × 3 ये हो गया आपका 150, ठीक है, क्योंकि 30 × 0 तो 0 हो ही जाएगा। फिर 0.6 यहाँ पर पुट कर दोगे आप, तो 50 × 6 ये हो गया 300। नेक्स्ट जेड में आप x की वैल्यू 5 और 0 रखोगे, तो यहाँ पर आपके वापस 150 आ जाएगा, और 9 और 0 रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ 9 रखोगे तो 30 × 9, 9 × 27 270 आ गया है आपके पास। सो मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पर आ रही है, 150 और 150, ठीक है ना, 150 150 दो पॉइंट पर आ रही है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, टू पॉइंट्स ओनली, दो पॉइंट पर आपका जो होगा जेड जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।